हेलो नमस्ते सर, मैं डॉक्टर से मैं पाई और आज यहाँ पे अपन रिव्यू करने वाले दी ऑनली 2023 यामाहा एरॉक्स 155 का, जिसका मेरे यहाँ पे देख सकते हो। एंड इस वीडियो के दौरान मैं बात करने वाला हूँ स्कूटर को क्या क्या नया अपडेट देखने को मिलते हैं, क्या इसमें फीचर ऐड हुए, क्या इसमें कलर ऐड हुए, सब कुछ कर रहा है। एंड मेरे स्कूल बड़े आंटी ऑटोमोबाइल यामाहा कोलकाता, उन्हें उन्हें स्कूटर बढ़ तक लाने के लिए अगर आपको यामाहा कोई प्रोडक्ट देखना है, परचेज करना है, तो ज़रूर शोरूम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारा कॉन्टैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। एंड चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं की से, की यहाँ पे आप देख सकते हो आपको जो यार उसमें की मिलती थी वही वाली। एंड एक की मुझे काफ़ी ज़्यादा तरवाल जो तलवार होती है उसके जैसे लगती है मेरे को, एक की इसके लगा जाता है सबसे पहले यहाँ पे। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसमें जो नया अपडेट आया वो सबसे पहला जो विजिबल अपडेट है वो इसमें ये वाला कलर, ये कलर जो नया आपको कलर स्कीम देखने को मिलता है। यानी ये जो कलर है आपको सिल्वर कलर में देखने को मिल रहा है, इस कलर का जो नाम है वो यहाँ पे सिल्वर ही देखने को मिलता है। एंड ये कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है आपको देखने को मिल रहा है, जो कि आपको देख सकते हैं एलॉय जो है वो गोल्डन कलर में एंड थोड़ा सा गोल्डन का टच इसमें दिया गया, सिल्वर कलर में पूरा जो स्कूटर देखने को मिल रहा है। एंड इसमें आपको वेरिएंट सिंगल वेरिएंट देखने को मिलता है, लेकिन कलर जो है आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। कलर आपको मैं वहाँ पर बता देता हूँ, तो कलर्स में यहाँ पे आपको जो है सबसे पहला जो कलर यहाँ पर देखने को मिलता है वो सिल्वर कलर, दूसरा जो कलर आपको मेटालिक ब्लैक देखने को मिलेगा, तीसरा कलर रेसिंग ब्लू एंड आपको जो है फोर्थ कलर वो ग्रे वर्मिलियन। बाकी तीनों कलर्स का फोटो जो आपको स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। प्राइसिंग की बात करो तो इसका जो ऑन रोड प्राइस वरियांट की ऑटोमोबाइल में देखने को मिलेगा वो है 175,000 रुपीज़ ऑन रोड यहाँ पर। ठीक है, अब चलते इसके वॉक अराउंड की तरफ। सबसे पहले मैं आपको देख सकते इसके अगर मैं इग्निशन ऑन करूँ तो इग्निशन ऑन करते इसका जो R3 शेप्ड जो हेडलैम्प आपको दिया गया है वो इसका इसमें जो आपको DRL देखने को मिलेगा यहाँ पे वो ऑन हो जाता है। फ्रंट में आपको फुल्ली यहाँ पे LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाएगा, लो बीम हाई बीम दोनों आपको यहाँ पे LED देखने को मिलता है। ठीक है, एंड कलर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको फुल्ली सिल्वर कलर में फ्रंट का सिल्वर जो पार्ट सिल्वर का देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका जो है गोल्डन एंड ब्लैक में एरॉक्स का जो फ्रंट पर ब्रांडिंग देखने को मिलेगा, जो बैजिंग यहाँ पे वो रखा है, और फ्रंट का नंबर प्लेट होल्डर देखने को मिलेगा। नहीं जो पार्ट है यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा, नहीं आपको जो है यामा का ब्रांडिंग भी देखने को मिल रहा है, इसलिए आपको यामा का ब्रांडिंग यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड अगर स्कूटर को स्टार्ट करते हैं एक बार तो इसका हेडलैम्प सेटअप आप देख सकते हो यहाँ पे, जो यहाँ आपको LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलेगा, जो लो बीम जल रहा है। एंड इसका जो पूरा हाई बीम आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्राइट लाइट यहाँ पे यूज़ किया गया है, कंपनी कितना ज़्यादा ब्राइट लाइट इसमें यूज़ किया है, तो इसका हेडलैम्प काफ़ी ज़्यादा ब्राइट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, तो एक मैंने ऑफ कर दिया तो यहाँ पर LED जो इंडिकेटर है आपको वो दिखाता है एक बार यहाँ पे, तो इंडिकेटर यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो इंडिकेटर आपको हैलोजन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कोई हैजार्ड का ऑप्शन जो है कंपनी फ्रेड देखने को मिल रहा है। अगर फ्रंट की बात करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे फाइबर का फ्रंट मनगार्ड है जो कि सिल्वर कलर में देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इसका इग्निशन थोड़ा माफ कर देता हूँ, अभी फ्रंट मनगार्ड यहाँ पे डुअल पीस में देखने को मिलेगा जो कि सिल्वर एंड ब्लैक में देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ फ्रंट सस्पेंशन की बात करते हैं फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि 26 mm का यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में देखने को मिल जाएगा। एंड अगर यहाँ पे अगर डिस्क की बात करें तो यहाँ पर 230 mm का फ्रंट डिस्क देखने को मिलेगा। एंड अगर अलॉय टायर सेक्शन की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि 110x80x14 इसका फ्रंट टायर यूज़ किया गया है। यहाँ पर देख सकते हो जो है आपका C8 जूम प्लस का जो फ्रंट टायर यहाँ पे यूज़ किया गया है। एंड अलॉय बात करें तो यहाँ पर अगर गोल्डन में आपको मैट गोल्डन में जो अलॉय यहाँ पे वो यूज़ किया गया है। अब फ्रंट में आपको सिंगल टायर ABS देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको ABS रिंग देखने को मिलेगा, यहाँ पे फ्रंट डिस्क जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर निसिन का जो कैलिपर यहाँ पे फ्रंट में निसिन कैलिपर का जो ब्रेक यूज़ किया गया। ठीक है, अब चलते हैं इसको ऊपर की तरफ, तो मैं आपको फ्रंट में दिखा दें आपको छोटा सा मीटर शील्ड देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड इस साइड पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो मेटल में आपको ब्रेक लीवर एंड रियर ब्रेक लीवर जो आपको मेटल में देखने को मिल रहा है। ठीक है, रियर में आपको ड्रम देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे जो आपको सिल्वर कलर में देखने को मिलता है साइड पैनल ब्लैक एंड गोल्डन एंड ब्लैक सिल्वर कलर का जो यहाँ पे फुल ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है। और देखते हो 155 लिक्विड कूल का जो ब्रांडिंग यहाँ पे वो हो रखा है। यहाँ ये पैनल की बात करते हैं आपको सिल्वर एंड ब्लैक कलर का मेटालिक ब्लैक यहाँ पे यूज़ किया गया। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूल गेज देखने को मिलेगा। अगर फ्यूल की बात करते हैं यहाँ पे आपको फ्यूल गेज देखने को मिल रहा है, यहाँ से दबाओ के फ्यूल को तो फ्यूल का जो पार्ट है वो ऑन हो गया। एक अपडेट की बात करते हैं यहाँ पे जो है E20 का अपडेट स्कूटर में आपको अब देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको E20 का अपडेट देखने को मिलेगा। अगर फ्यूल टैंक की बात करें फ्यूल कैपेसिटी की, तो यहाँ पे आपको 5.5 लीटर्स का यहाँ पे फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा एंड
42 किमी का माइलेज स्कूटर आपको प्रोवाइड करके दे देगी। इसको बस यहाँ से ओपन करना है एंड इसको बस यहाँ से लगा दो तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो यामा मोटरसाइकिल कनेक्ट का जो यहाँ पे ब्रांडिंग वो हो रखा है। हैंडल बार देख सकते हैं, काफ़ी एक प्रीमियम हैंडल बार यहाँ पे जो है यूज़ किया गया है। थोड़ी देर रुक जाओ, यहाँ पे काम हो रहा है, इसको होने के बाद वीडियो का कंटिन्यू करते हैं। अगर यहाँ पे हम सीट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी एक अच्छा सा प्रीमियम सा सीट यहाँ पे दिया गया है एरोक्स के ब्रांडिंग के साथ। यानी यहाँ पे आपको सिंगल सीट देखने को मिलता है, लेकिन जो है सीट का जो डिज़ाइन है आपको स्प्लिट सीट जैसा डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ देख सकते हो व्हाइट कलर का स्टिचिंग भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो साइड जो फुट पैक है फ्रंट का जो रेयर जो राइडर का फुट पैक है यहाँ पे आपको दो साइड में देखने को मिलता है। जैसे कि नॉर्मल स्कूटर में आपको बीच में मिलता है, लेकिन एक ये एक मैक्सी स्कूटर है इसलिए आपको जो साइड का फुट पैक है रेयर राइडर का फुट पैक आपको साइड की तरफ देखने को मिल जाएगा। और इस साइड की बात करें यहाँ पर मेटालिक ब्लैक कलर में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि एरोक्स का गोल्डन में काफ़ी अच्छा सा ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों सिल्वर कलर में जो ग्राफिक्स देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे वीवी का ब्रांडिंग भी देखने को मिल रहा है। हाँ, तो इसमें आपको वेरिएबल वेल्व एक्चुएशन जो है वो भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, फुटपैक की बात करें तो यहाँ पे आपको रेयर में एलुमिनियम का फुटपैक देखने को मिल जाएगा। एंड अब चलते हैं सबसे बड़े अपडेट की तरफ, जो कि इसके इंजन में। तो इसमें आपको जो है अब इंजन में वैसे सेम इंजन देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको दो अपडेट देखने को मिल जाएगा। जो अपडेट है वह आपको यहाँ पे इंजन में 155 सीसी लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक SOSC 4 वाल्व इंजन देखने को, जो कि BS6 फेज 2 इंजन यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है। एंड अगर अपडेट की बात करो तो आप यहाँ पे आपको OBD2 सेंसर भी आप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एंड पावर फिगर्स की बात करो तो यहाँ पे 15 PS का पावर मिलेगा एंड 13.9 Nm का टॉर्क मोटरसाइकिल प्रोवाइड करके दे देगी। एंड यहाँ पे जैसे लिक्विड कूलिंग का जो यहाँ पे रेडिएटर है वो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लिक्विड कूलिंग का रेडिएटर देखने को मिलेगा। एग्जॉस्ट जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बल्कि यहाँ पे आप एग्जॉस्ट यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे एक मफलर भी यहाँ पे चढ़ाया गया है, आपको बॉक्सर रिंग सिंगम देखने को मिलेगा। यहाँ दोस्तों रियर में जो है यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का जो रिंग यहाँ पे आप वो देखने को मिल रहा है। तो हाँ, अब इसमें आपको जो है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी देखने को मिलेगा। पहले इसमें आपको कोई भी ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब 2023 में आप जो है आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी देखने को मिल रहा है। रियर की अगर आप चले तो इसको मैं थोड़ा ऑन कर देता हूँ। तो रियर में जो है आपको यहाँ पे LED टेल लैम्प देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड इंडिकेटर भी आपको हैलोजन देखने को मिलते हैं। एंड जो आप चाहो तो एक्सेसरीज के दौरान भी इसमें आपको चाहो तो LED लगवा सकते हो। नॉर्मल लाइट यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे हैलोजन ही देखने को मिलेगा। नॉर्मल जो लाइट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर देख सकते हो रियर नॉर्मल होल्डर यहाँ पे लगने वाला है। यहाँ आपको रियर रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा, यहाँ पे साइड रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। आप स्कूटर को जो मैं उस साइड से बाद दिखा देता हूँ। एंड सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो 155 का ब्रांडिंग सिल्वर कलर में देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर ब्लैक का स्टिकर भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। 150 का जो ब्रांडिंग गोल्डन में देखने को मिल रहा है। तो उस साइड पर चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी जो है आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा। रियर में ट्विन शॉक अब्जॉर्बर देखने को मिलेगा। एक्सरसाइज के दौरान आप चाहते हैं KYB का रियर सस्पेंशन भी यहाँ पे लगवा सकते हो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसका जो मेन इंजन सेटअप यहाँ पे वो यूज़ किया गया, यहाँ पे यामा का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। इसका कोई भी स्टार देखने को नहीं मिलता, इसमें भी आपको मेन स्टैंड एंड साइड स्टैंड दोनों ही देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको साइड स्टैंड इंजन कटऑफ सेंसर भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो इंजन काफ़ी ज़्यादा बड़ा इंजन यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है। एंड इस साइड पे भी आपको सेम वही देखने को मिलता है, 155 का ब्रांडिंग गोल्डन में यहाँ पे ब्लैक। एंड यहाँ पे आपका यामा का ब्रांडिंग एंड यहाँ पे भी साइड में आपको वही सेम देखने को मिल रहा है। एंड इसमें जो है आउटर फाइव की तरह इसमें भी आपको VVA देखने को मिलेगा, जो कि आपका वेरिएबल वेल्व एक्चुएशन। तो इसमें भी आपको VVA टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसका जो पावर है वो मिड एंड टॉप में काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। इसका पावर जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ द VVA। तो और VVA जो है हम सबको पता है आउटर फाइव एंड MT15 में आपको देखने को मिलता है, और वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा सा प्रोडक्ट बन चुका है अपने मार्केट पर। यहाँ पर जैसे फ्रंट ब्रेक का जो ऑयल यहाँ पे वो यूज़ किया गया। मिरर्स की बात करते हैं, यहाँ पर आपको वही वाला मिरर्स देखने को मिलता है जो कि MT15 या फिर अस्टी टैली में देखने को मिलता है, वही वाला सेम मिरर्स देखने को मिल जाएंगे। अब चलते इसके सीट को थोड़ा ओपन करते हैं, सीट को आपको ओपन करके नहीं दिखाया। तो सीट ओपन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको अच्छा सीट देखने को मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्पेशियस सीट देखने को मिलेगा। आपको ब्लूटूथ का जो किट यहाँ पे ब्लूटूथ किट लगा हुआ है, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट एड किट लगा हुआ है, यानी यहाँ पे आपको जो है देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पे आपको सीट का अंदर का जो स्टोरेज है काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टोरेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। सीट को यहाँ पे लगवा देते हैं। अब चलते इसके हैंडल बार मिटेगा सो कहता है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो इसको ऑन कर देता हूँ मैं एक बार। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आपका हाई बीम लो बीम यहाँ पे इंडिकेटर का स्विच, यहाँ पे हॉर्न सिंगल पीस होने, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लाउड होने यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ऑटो स्टार्ट स्टॉप का सिग्नल, यहाँ पे हैजर्ड का स्विच एंड यहाँ पे आपका सेल बटन, यहाँ पे सेल बटन। ठीक है,
तो आपको मैंने स्विच गियर दिखा दिया, आप चलते इसके मीटर कंसोल की तरफ। ठीक है, इसके हैजर में आप कर देता हूँ। तो सबसे पहला जो यहाँ पे देख सकते हो इसका मीटर का जो स्वाइप है आपको वो दिखाया था यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ABS का सिग्नल देखने को मिलेगा, यहाँ पे तो आपको इंडिकेटर का सिग्नल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एंड अगर यहाँ पे बात करें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, इंजन ऑयल फंक्शन, यानी आपको आपको जो हाई बीम का सिग्नल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये देखने को मिलता है। एंड सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, सबसे पहला जो चीज़ आपको देखने को मिलता है जो स्पीडोमीटर। ठीक है, आपको फ्यूल गेज देखने को मिलेगा। एंड इसका अगर आपको मीटर कंसोल को टॉगल करना है तो यहाँ पे आपको एक जो स्विच दिया गया डेडिकेटेड स्विच यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मेनू का स्विच। ठीक है, तो आप देख सकते हो इससे आप जो मीटर कंसोल उसको टॉगल कर सकते हो। सबसे पहले आप देख सकते हो बैटरी वोल्टेज, TCS ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पे आपको RPM देखने को मिलेगा, यानी फ्यूल गेज देखने को मिल जाएगा। सो इसको चेंज करते हैं ट्रिप। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलता है ऑयल, वहाँ पर देखने को मिलेगा बैटरी वोल्टेज, यहाँ पर देख सकते हो जो है यहाँ पर ऊपर टाइम देखने को मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है, अगर इसको मैं थोड़ा ऑफ दबा के रखूँगा तो शायद ये ऑफ हो जाएगा, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो TCS ऑफ हो गया, यहाँ पर ऑफ, यहाँ पर ऑन। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। इसको मैं ये कर देता हूँ, ट्रैक्शन कंट्रोल जो यहाँ पर ऑफ हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है। इसको मैं फिर से ऑफ ऑन करता हूँ एक बार, तो जो यहाँ पे ऑन हो रखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इंडियन कंट्रोल में आपको बस ऐसा ही ये सब कुछ देखने को मिलेगा। स्विच गियर जो आपको मैंने वो पहले ही दिखा दिया, चलो इसका जो एग्जॉस्ट होता है आपको मैं सुना देता हूँ। इसका जो डायमेंशंस वो आपको बताना रहेगा, इसका डायमेंशंस आपको बताया था। सबसे पहले जैसे ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 145 mm का यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। एंड सीट हाइट की बात करें तो आपको 790 mm का यहाँ पे सीट हाइट देखने को मिल जाएगा। एंड अगर कर्व वेट की बात करें तो आपको 126 kg का कर्व वेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो सब कुछ आपको डिटेल यहाँ पे इसका रिव्यू मैंने कर दिया। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, चाहे बिना चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।